मंगलवार की सुबह सुबह दिल्ली और एनसीआर में झमाझम बारिश हुई है, जिसके बाद दिल्ली में कई इलाकों में पानी भर गया। आप देखेंगे ये आईपी स्टेट का इलाका है, यहाँ पर भी 1 से 1.5 फुट तक का पानी भरा हुआ है। गाड़ियों को निकलने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और जो पैदल राहगीर हैं उनको इसी पानी के अंदर घुस करके जाना पड़ रहा है। काफी ज्यादा पानी यहाँ पर भर चुका है और आगे यहाँ पर मशीनें भी लगाई गई हैं ताकि इस पानी को, जो कि वाटर लॉगिंग हो गया है, उसको निकाला जा सके। सुबह सुबह लगभग 1 से 1.5 घंटे तक काफी मूसलाधार बारिश हुई है दिल्ली और एनसीआर में, और इस वजह से दिल्ली के तमाम इलाकों में कई जगह वाटर लॉगिंग हुई है। पीक आवर का समय था, इसलिए इस वाटर लॉगिंग की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में बड़ा लंबा लंबा जाम भी लगा हुआ है। दिल्ली में लोगों को अपने दफ्तर और मंजिल पर पहुंचने में इस पानी और वाटर लॉगिंग की वजह से खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल आसमान की अगर बात करें तो फिजाओं में काले काले बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे दिन मानसून की जो स्थिति है वो इसी तरीके से रहेगी, हल्की हल्की बारिश होती रहेगी और इस वजह से दिल्ली और एनसीआर वालों को काफी दिक्कत होगी। आप देखेंगे कि इस तरीके से मशीनें लगा के दफ्तर के अंदर जो पानी भरा हुआ है उसको भी निकालने का फिलहाल काम किया जा रहा है। तो सुबह सुबह जो लोग अपने घरों से दफ्तर के लिए निकले थे, मूसलाधार बारिश और उसके बाद ट्रैफिक जाम और वाटर लॉगिंग की वजह से उन लोगों को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन खुर्शीद के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष।